पुलिस वालों को हमारी सेफ्टी के लिए रखा गया, लेकिन हमारे देश में ऐसे पुलिस वाले होंगे, मेरे जख्मी दोस्त को देखकर गाड़ी घुमाकर लोकल गुंडों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा मारा, उसका सर भी फट चुका था, काफी खून बह रहा था। इसी वेल तो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था त्रित फन टिप के साथ आखिर कैसे जाकर वो घटना हुई। आज उसका फुल एक्सप्लेनेशन देसी चोरा वाइटी ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे किया। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनो। ये वीडियो में है, पुलिस वालों को हमारी सेफ्टी के लिए रखा गया, लेकिन हमारे देश में ऐसे पुलिस वाले होंगे, मेरे जख्मी दोस्त को देखकर गाड़ी घुमाकर, देख सकते हो वीडियो में, भाग रहे हैं। ये घटना है छत्तीसगढ़ के खोगा पानी का। देर रात 14 अक्टूबर को माता जी का विसर्जन करके मेरा फ्रेंड घर लौट रहा था, तभी रास्ते में 12 से 15 लोकल गुंडों ने मिलकर उसे काफी ज्यादा मारा, उसका सर भी फट चुका था, काफी खून बह रहा था। इसी हालत में वो रास्ते में बहुत देर तक पड़ा रहा, जैसे तैसे होश संभाल के चलता हुआ चक्कर खाता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा पुलिस वालों से मदद मांगने, लेकिन कोई भी पुलिस वाले ने उसकी एक भी मदद नहीं की। अब आगे वीडियो में देख सकते हो, वो चीख चीख कर बोलता रहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो ले चलो, लेकिन किसी ने भी हॉस्पिटल उसे नहीं लेके गया, उल्टा कोई बड़ा ऑफिसर साहब। पहले वीडियो देखो आगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर सर बोला, हेलो सर जी, मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगा है, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को ले चलिए। अल्लाह का नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ मम्मी पापा के पास, मेरा खून इतना ज्यादा बह रहा है सर, मैं क्या करूँ बताइए ना। कोई भी पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल लेके नहीं गए, उल्टा कोई बड़ा ऑफिसर था, शायद उनका हेड होगा, या फिर उन्हें कॉल आया था कि अपना आदमी है, केस वेस बिल्कुल मत लिखना, एफआईआर वगैरह नहीं लिखना, ऐसा करके बोला गया था, और उसे हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा रहे थे। 1 से 1.5 घंटे तक उसे उसी हालत में खून निकलता हुआ, ब्लीडिंग होता हुआ पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा गया, फिर जैसे तैसे वो अपना। वेल तो दोस्तों यार, अभी हम सबको त्रित फन टिप्स के साथ खड़े रहना चाहिए उनके इस मूवमेंट पे। सभी लोग कमेंट सेक्शन में #justiceforthritfuntips लगा दो।